गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब कैसे हैं। आई होप बढ़िया ही होंगे दोस्तों। सभी भाइयों को एवं बहनों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन दोस्तों। ये दीपावली आपको रोजगार मुहैया हो तथा आपको धन व लक्ष्मी की बरसात हो, यही हम दुआ करेंगे आपको इस दीपावली पे दोस्तों। बिना लेट किए चलते वीडियो की तरफ। अब आज की न्यूज़ क्या है? सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है जो MTS रिजल्ट को लेकर आ रही है। किन रीजनों के कारण जो आपका रिजल्ट रोका गया था, अच्छा जो 25 को आने वाला था क्यों नहीं आया, और रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ को लेकर क्या चल रहा है विभाग में मैटर, और दोस्तों क्या रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, सभी बातें, किन किन राज्यों का कट ऑफ क्या होने वाली, सभी बातों पर विचार किया जाएगा। जो भी दोस्तों न्यूज आएगी सब ऑफिशियल न्यूज है। और सब दोस्तों हम ये बता दे रहे हैं ये न्यूज़ कहाँ से मैटर आया, कहाँ से पता चला, वो भी हम रीजन बता देंगे दोस्तों। ये भी जो न्यूज़ है प्रयागराज इलाहाबाद की न्यूज़ है, वहाँ पे सेंट्रल जोन है वहीं से पता चला है। समथिंग जो आंकड़े होते हैं वही बताए जाते हैं, एग्जिट तो कोई नहीं बता सकता। और दीपावली एक आपके दीपावली समाप्ति के बाद जो आयोग खुलेगा उसके बाद एक मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के बाद ही आपका रिजल्ट तुरंत जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो लास्ट देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में क्या क्या है। सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि रिजल्ट आपका 5 नंबर से पहले आएगा, 5 नंबर को नहीं, 5 नंबर से पहले 101% आएगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था। जो भी न्यूज आती है दोस्तों मैं, क्योंकि मैं इलाहाबाद रहता हूँ इसलिए इलाहाबाद की मैं जो भी रिजल्ट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि MTS का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, मैं अभी बोल रहा हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा, MTS कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, अभी बता दे रहा हूँ। पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गया, अब रीजन क्या है वो तो आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और OBC SC वालों का जो कट ऑफ है EWS से भी ज़्यादा चला गया कुछ स्टेटों में, जो सेंट्रल जोन है आपके, जो ईस्ट है PR जोन में, कुछ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ इनके चले जा चुके हैं। मिनिमम कट ऑफ दोस्तों आपके 3 से लेके 17-18 नंबर तक किए गए हैं, काफ़ी अधिक आपको देखना, आपको बता दे रहे हैं अभी मैक्सिमम स्टेट में, बता दे रहे हैं मैक्सिमम स्टेट में 75 के ऊपर कट ऑफ गया है OBC वालों का, मैक्सिमम बता दे रहे हैं अभी, नोट कर लीजिएगा 75 के ऊपर नॉर्मलाइज हो के अब गया कि किस शिफ्ट में क्या गया है क्या नहीं गया है। मीडियम में कुछ जो मीडियम वाले शिफ्ट हैं उनको कम से कम 10-10, 8-8 नंबर मिले हैं सबको, शुरू वालों को काफ़ी अच्छे नंबर मिले हैं, एक दो शिफ्ट में कम से कम 12-14 नंबर तक मिल गए हैं। अब कहेंगे कि आपको कहाँ से पता चला है, तो झूठ बात है कि झूठ बात नहीं है दोस्तों, रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, एक बात इसमें गलत नहीं होगा। रिजल्ट को जो आपका रिजल्ट अभी जारी कर गया होगा, लेकिन कुछ CGL या कुछ मैटर सर्वर चलते आपको रिजल्ट रोका गया था, रिजल्ट में काफ़ी पेचीदा मामला था इसे रोका गया है। आपका रिजल्ट आपको 5 नवंबर से पहले आपको देखने को मिलेगा, यही न्यूज़ जो आयोग से आ रही है। जब भी न्यूज आएगी जो भी आएगी, बस जो भी न्यूज़ है दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ है। हाँ लेकिन ये कट ऑफ काफ़ी गया है, सच्चाई है, ये कट ऑफ काफ़ी गया है और EWS कट ऑफ काफ़ी कम भी गया है। मैं रिजल्ट का बस वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं, मैं बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, रिजल्ट के बाद आपको प्रूफ साथ दिखा दूंगा, देखिए कि ये यही कट ऑफ गई है, कट ऑफ कितनी गई है, वास्तव में कट ऑफ के नॉर्मलाइज काफ़ी ज़्यादा हुए हैं दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए यही न्यूज़ थी, और किसी भी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। MTS का रिजल्ट जो भी जब भी आएगा, जब भी आने वाला रहेगा, उसके 24 से 48 घंटा पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, हैप्पी दीपावली।